हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइन ऑफ फ्रिल बेबी फ्रॉक, जिसके लिए हमें दो फैब्रिक चाहिए हैं। पिंक फैब्रिक हमने लिया 1 मीटर, ब्लैक फैब्रिक लिया है हमने 2 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट। यहाँ पर मैं लूँगी 4.5 इंचेस, आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 4.5 इंचेस, और लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों को ज्वाइन करती हुई। यहाँ पे बनाएंगे हम चेस्ट का पार्ट, जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका 4th पार्ट करेंगे, प्लस हम 1 से 1.5 इंच सुई मिलाते हुए मैं यहाँ पे 7.5 इंचेस ले रही हूँ। पूरी लेंथ देख लेते हैं इसकी, तो पूरी लेंथ मैंने 12 इंचेस की ली है। जहाँ मेरी पूरी लेंथ है वहाँ पर मैं 7 इंचेस पर मार्क करूँगी। ऊपर से मैंने 1/2 इंच कम लिया है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर हम देंगे आर्म होल का शेप। अब बारी आती है नेक को बनाने की, तो नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस, और इसकी लेंथ हम लेंगे फ्रंट और बैक दोनों में 3 इंचेस की। राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये टॉप के पार्ट की पूरी मार्किंग हमारी हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के 2 पार्ट बन के आएंगे हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये बनेगा हमारा टॉप का पार्ट। इसी साइज और शेप के हम 2 और पार्ट कट कर लेंगे, वो बनेगा हमारा बेस का फैब्रिक। तो बस आपको फैब्रिक के ऊपर इसे सीधा रख के बिल्कुल इसी शेप और साइज में कट कर लीजिए। अब बारी है बॉटम के पार्ट को बनाने की, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने 1 बार फोल्ड किया है। अब मुझे यहाँ से क्रॉस में फोल्ड करना है, तो मैं इस तरीके से ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमने जो टॉप का पार्ट बनाया था उस पार्ट को मैं लूँगी, और इस तरीके से कॉर्नर्स पे हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। टॉप का पार्ट रख के हमने मार्क कर लिया है। अब हम लेंथ मेजर कर लेते हैं बॉटम के पार्ट की। तो ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसकी हम बॉटम के लिए टोटल लेंथ यहाँ से मेजर, तो हमें लेंथ लेनी है। तो ये जो हमारा मार्क है वहाँ से हम लेंथ लेंगे इस तरीके से 15.5 या 16 इंचेस ले सकते हैं आप। तो मैंने 16 इंचेस पे मार्क कर लिया, और यहाँ पे हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे दी है। ये बनेगा हमारा बॉटम का पार्ट। अब इन दोनों पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास 2 पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये बनेंगे हमारे बॉटम का पार्ट। तो मार्किंग सारी हो गई है, अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे। ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो बेस फैब्रिक कट किया था उसे मैं उल्टा रख दूंगी। दूसरे पार्ट में भी हम यही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर हमारा जो बेस फैब्रिक है उसे हम उल्टा रख देंगे। अब हमें सिलाई लगानी है, तो हम आर्म होल हमारे दोनों और नेक में सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स में और हमारे नेक में हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। आर्म होल और नेक दोनों में हम इस तरीके से कट लगाएंगे, और अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। बैक के पार्ट में भी नॉचेस लगा के इसे राइट साइड पर टर्न कर लेना है। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रख देंगे और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में वही करना है। राइट पार्ट है बॉटम का, उसके ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया हम। अब हमें टॉप में जो फ्रिल बनानी है पिंक फैब्रिक से, उसे बना लेते हैं। तो फ्रिल करने के लिए पिंक फैब्रिक की हमने इस तरीके से एक स्ट्रिप ली है। चलिए अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ हमने ली है 5 इंचेस की, और इसकी इस तरीके से चौड़ाई हमने ली है 40 इंचेस की। अब हमें इन दोनों तरफ की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। उस तरफ भी वही करेंगे, रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने चारों तरफ की बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें फ्रिल बनानी है। तो मिडल में सबसे बड़े नंबरों की जो आपके मशीन में सिलाई लगती हो उसे लगाएंगे हम पूरी चौड़ाई में, ताकि हम फ्रिल कर सकें। तो चलिए सबसे पहले मिडल में बड़े नंबरों की सिलाई कर लेते हैं।
ये देखिए हमने मिडल में इस तरीके से बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब एंड में जो हमारा धागा है उससे हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से फ्रिल कर लेंगे। पूरे में हम इस तरीके से फ्रिल लेंगे ताकि हम इसे टॉप के पार्ट में अटैच कर सकें। ये देखिए हमने फ्रिल बना ली है, अब हम इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर फ्रिल भी हम राइट ही रखेंगे और ये जो मिडल में हमने सिलाई की थी वहीं पे हमें वापस से मिडल में सिलाई करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है पूरे में। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो बैक का पार्ट है उसे मैं उल्टा रखूँगी। दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के सिलाई कर लीजिए। साथ ही साथ हम यहाँ पर भी दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो हम शोल्डर फिटिंग और साइड फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग और साइड फिटिंग कर ली है। अब हमें नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरे में। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने एक फ्लावर से इसे डेकोरेट कर लिया है। और इसी के साथ तैयार हो गया हमारा डिजाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।